संभल में सदर तहसील को लोगों ने अवैध रूप से मैरिज हॉल बना दिया। सदर तहसील में रात भर डिस्को डांस और शादी की रस्में अदा की गई। इतना ही नहीं, तहसील परिसर में ही पूरे शादी समारोह का आयोजन पूरी तरह से अवैध रूप से किया गया। जब इस मामले में प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने कार्यवाही की बात कही है। मीडिया में मामला आने से बेखबर प्रशासन में खलबली मच गई है। संभल जिले की सदर तहसील को वहां के कुछ लोगों ने अवैध तरह से शादी के मंडप में तब्दील कर दिया। तहसील परिसर में शादी का टेंट लगाया गया और सभी शादी की रस्में की गई। इतना ही नहीं, वहां लगे टेंट में डीजे पर लोगों ने जमकर डिस्को डांस भी किया। शादी का पूरा एंजॉय किया। जिन लोगों का ये शादी का प्रोग्राम बताया जा रहा है वो तहसील में प्राइवेट रूप से कार्य पर कार्यरत हैं। इस प्रोग्राम को पूरी तरह से तहसील परिसर में अवैध तरह से आयोजित किया गया था। तहसील परिसर के गेट और न्यायालय के अपर जिला मजिस्ट्रेट के गेट को भी शादी के समारोह के टेंट से भरपूर सजाया गया था। कोई भी ये नजारा देखकर हैरान रह जाता था। बताया जा रहा है कि तहसील परिसर में कमरों को भी बारात के सोने का इंतजाम के लिए उपयोग किया गया था। जब इस मामले में SDM से बात की गई तो उन्होंने कार्यवाही और जाँच की बात कही है। आपके माध्यम से बताया जा रहा है तो हम ठीक है, उसको हम दिखवा लेंगे। ऐसा कोई अनुमत तो है नहीं, और पास में कुछ लोग रहते हैं तो हो सकता है आपका कोई फंक्शन इधर कर लिए हो, उसको हम दिखवा लेंगे। नहीं, मेन जो गेट है तहसील का वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है भैया, आपके माध्यम बताया जाए, उसको हम दिखवा कार्रवाई करेंगे, ऐसी कोई बात। मीडिया में मामला आने से बेखबर प्रशासन में खलबली मची हुई है। अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है और इस तरह से सरकारी परिसर में कोई शादी समारोह या निजी प्रोग्राम अवैध रूप से कराना कहां तक जायज है। संभल से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।